can't. I wanted everybody to know this, you know. I wanted everybody in this group to know how much you have actually done. Secondly, personally, this is my personal thing. I have had very good response from all your departments. Whether it's Jal Board, agar tanker chahiye kabhi Mr. Rohan ko ek, koi bhi ho aapka ye civil works ke ho, JEE ho. You know, the only department that has not responded is the horticulture department. Wo bhi pruning ke liye bahut acha kaam kar raha tha. So before everybody starts making their complaints, I thought, let me just say thanks to all the NCD staff, particularly the lower level people are so responsive, you know. And wo fumigation ke liye bhi hamare yahan dengue tha. They came, fumigated the building, and that Vipin comes regularly, wo apna wo dalta rehta dawaiyan. So I just thought that I would like to... So thank you. You started on a very, very positive note. Hamara to 2 kilo khoon badh gaya. So that is why I'll have to leave early, but I wanted only to be the first person to say all this. Very, very thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी विक्रम जी बोलिए. नमस्कार सर. फर्स्टली हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ योर पार्टी एंड ऑल द वर्कर्स. इट इज इनक्रेडिबल. आई हैव शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस टू विद माय फ्रेंड्स आउटसाइड दिल्ली आल्सो एंड दे डोंट बिलीव इट दैट समथिंग लाइक दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. यू नो वेयर द एमएलए एंड द काउंसलर both are available to, you know, not only listen to what we want and also to give us solutions to it. So once again, sir, we are very grateful to all your you know, actions. Jitna time aap log nikal pate shayad koi aur nahi hai mere khayal aaj ki date mein Hindustan mein itna jo kaam kar rahe hain apne constituency ke liye. But sir, I come from Z block. Z1 to Z24 house cast is the area. Yes. So here there have been 4 or 5 issues which have been bothering our residents. Yes. One is, sir, this road which goes opposite NIFT towards Yusuf's Rai. Hmm. So uspe footpath is so badly encroached by the you know, shops and booths and wo to matlab, अगर इफ आई और माय ओल्ड फादर हैज टू वॉक फ्रॉम हेयर टू यूसुफ सराय मार्केट इट इज इम्पॉसिबल. यू नो इट इज लाइक थ्रेट टू अवर लाइफ. तो इसका एक बहुत देर से हमारा इशू आपके साथ रहा है कि इसको सर किसी कोई परमानेंट इसका इलाज करवा लीजिए. यस 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 ऐसा है विक्रम जी. 7 दिसंबर 2022 को हमारे काउंसलर चुने गए थे. यस सर. हमने 8 दिसंबर को चिट्ठी लिखी यहाँ के डीसी को कि मेरे क्षेत्र में फुटपाथ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, कौन किस हक से बैठा हुआ है. और हमें जब तक डिटेल नहीं मिलेगा तो हमने ये बात कही थी 7 दिसंबर 8 दिसंबर को. और हमने कहा कि 7 दिसंबर के बाद कोई नया आदमी कहीं नहीं बैठना चाहिए. हमने सर एलजी साहब से मिलकर के, सर बड़ा पुराना रोग है ये, आज का रोग नहीं है क्योंकि ये पैसा बनाने का साधन है. देखो मैं ओपनली तुम्हारे अधिकारी बढ़ता ही जा रहा है सर. पहले एक मशीन, दूसरा फिर चार, फिर थोड़ा सा मुझे वक्त दें. कमल भी लगे हुए इस पे. पॉसिबली नेक्स्ट 1 मंथ वो लिस्ट तैयार हो जाएगी. काफी समय से लगा हुआ था, मैं उस पर काम चल रहा है. उसके बाद मैंने एलजी साहब को बोला है कि भाई आपको गरीबों को जगह देनी है दीजिए, बड़ा अच्छा दीजिए जगह. लेकिन डीडीए को बोलिए कि लैंड अलॉट करे एमसीडी को और एमसीडी फिर उस लैंड पे जनता मार्केट के नाम से खोल दे. फिर उस लैंड पे एमसीडी जनता मार्केट के नाम से जितने तह बाजारे को बैठाना है बैठाओ, लेकिन फुटपाथ पे हम नहीं बैठने देंगे. मैं अपफ्रंट बोल रहा हूं, फुटपाथ इज सपोज टू बी फ्री फ्रॉम एवरी इंक्रोचमेंट. जनता चलने के लिए है. गरीब के भी बुजुर्ग हैं, अमीर के भी बुजुर्ग हैं, गरीब की भी महिलाएं, अमीर की महिलाएं, गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे हैं. ये मैं आपको कमिट कर रहा हूं. कमल भी कमिट कर रहे हैं आपको, मेरे उनके तरफ से कमिट कर रहा हूं. हम कमिटेड हैं इसको. तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, चूंकि बड़ी पुरानी मोटी चमड़ी है भाई साहब इनका. हमने तो मालूम पड़ा कि मुझे पता लगा कि भाई जो यहाँ का मेट है ऐसे पैसे बनाता है आपको और हमको कब का खरीद ले वो. ये एमसीडी में करप्शन इतना गहरा है. लेकिन करेंगे भाई साहब, लंबी यात्रा है लेकिन करके दिखाऊंगा आपको. जी आई प्रॉमिस यू.
थैंक यू सर। तो दूसरे सर ये कि ये जो पार्क है ना पीछे जो, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, ये डीडीए वाले हॉर्टिकल्चर, इसमें इतना गंद है। और मतलब अभी देखिए, उस दिन मैंने फोटो भी लगाई थी, दैट अ स्नेक केम इनटू माय हाउस फ्रॉम द बैक साइड। इतने वो पेड़ और झाड़ियां इतनी ऊंची हो गई है, दीवारों के ऊपर क्रॉस करके हमारे घरों के अंदर घुस रही है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। और आप उसमें देखिए, अपने जो मेन एक जो रास्ता है वो अरे टॉकिंग ठीक है, अबाउट द आपने डीडीए उसके पार्क जो बिल्कुल अपोजिट निफ्ट है, वही है सर। यस, कोई बात नहीं, वो वैसे मेरे आप आते हैं तो आप वो मेन और एक रूट पे देख लेते हैं, आसपास जो पीछे नहीं, का मैं एक थोड़ा काम करता हूँ, ये रिस्पेक्टिव वहां पे। मोहल्ला कोऑर्डिनेटर इंश्योर करें कि जो जो समस्याएं आ रही हैं वो भी नोट करें, जो अधिकारी यहाँ पे हैं उस विभाग के वो भी नोट करें, जैसे डीडीओ और पुलिस की समस्या वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी चूंकि मैं करने का रखता हूं कि भाई मुझे हर समस्या का समाधान लेके आना है, करके दूंगा साहब। कमल आप भी नोट कर लीजिएगा कि जी जी सर, मैं कर निफ्ट के लूंगा। अपोजिट वाले पार्क में मैं पीसी हॉर्टिकल्चर को लेके आऊंगा। जी सर। जी सर थर्ड इज दिस जो स्ट्रीट लाइट है ना, एक तो ये लिफ्ट रोड वाले जो जहाँ गेट है उसके बाहर वाली, वो हमेशा खराब ही रहती है। और उसमें एक थोड़ी आगे है जो कि वेरी इंटरेस्टिंगली द लाइट फिटिंग, द पोल इज ऑन द रोड बट द लाइट फिटिंग इज फेसिंग द डीडीए पार्क, डीडीए हाउसेज इनसाइड। सो जो रोड की तरफ है वहां अंधेरा है, और डीडीए के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी से के कौन है तरफ है। यहाँ पे? पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी से कौन है? चलो जो अपने एमसीडी से स्ट्रीट लाइट वाले हैं वही नोट कर लें। सर एमसीडी की भी स्ट्रीट लाइट की एक हमारी रिक्वेस्ट थी, Z1 और Z14 के जो एक पोल है उसके ऊपर लाइट नहीं लग रही बहुत टाइम से। इट इज अ वेरी डार्क एंड गौरव, गौरव कैन ब्लाइंड हियर मी? स्पॉट है। गौरव सर जे इलेक्ट्रिकल, हाँ जी सर, जी ये सर, आप नोट कर लो, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उसके बावजूद भी हम उसको अब आज मिनट्स में लिख दोगे तो मैं करवा दूंगा। और ठीक सर सर। एमसीडी एमसीडी का भी है Z ब्लॉक Z1 में, Z1 और Z14 के जो एक पॉइंट है जो जी, मंदिर की तरफ से गली आती है, और वो बिल्कुल अंधेरा होता है। एंड वी हैव फाउंड सर रिमेन्स ऑफ वेरी इलीगल एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज इन द नाइट विच हैपन आफ्टरवर्ड्स, यू नो, बिकॉज इट इज सो डार्क दैट पीपल वांट टू कम देयर एंड यू नो विक्रम क्रिएट। जी एक तो आप पुलिस को लिखो, मैं भी लिखूंगा, लाइट्स लगाने की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। पुलिस को सर SHO साहब के नॉलेज में आ गया, ही हैज सेड दैट इट विल बी पेट्रोल्ड आई नो, इंटेंसिवली। बट ये जितने इलीगल एक्टिविटीज है, देखो मैं ओपनली कहता हूँ, सब में हिस्सा पुलिस का है। आई सर आई कैन नॉट से रही थी कीप स्पीकिंग बट ऑन, आई मीन मुझे 10 साल पॉलिटिक्स में सर हो गया लेकिन फिर भी मैंने कलर अभी उनका नहीं पकड़ा है, मैं आपके तरफ से ही बोलता हूँ। ओके सर, टू मोर थिंग्स ऑफ आवर एरिया। वन इज दिस प्रूनिंग ऑफ वेरी टॉल ट्रीज, वो अभी भी उसका कोई समाधान नहीं है सर। जो कौन है यहाँ पे एमसीडी हॉर्टिकल्चर से? घनश्याम एमसीडी रोड के अंदर जो है सर, हॉर्टिकल्चर से सर, अखिलेश जी भी होंगे और वो भी हैं, जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर जी भाई सर देखिए, एक तो भाई साहब नमस्कार जो विक्रम जी कह रहे हो नोट कर लो, दूसरा ना एक सर, जनरल प्रूनिंग वाला काम तो कर ही लो। वो ये परमिशन के लिए सब भेजते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें शिकायत है वो तो मिलती जा रही भाई है देखो, एप्लीकेशन। जो आप जो सुनो सुनो, परमिशन तो ठीक है, सर परमिशन के पीछे आड़ में सारे काम रोक मत दो। आप सर ये पहले सर नोट सर करते सर सर जाओ, नोट करते जाओ, सर तरीका थोड़ी सी बताऊंगा बाद मजबूरी है में, आप नोट करते जाओ पहले। ठीक है, सर। जैसे Z5 के ऊपर सर जो पेड़ लगा है वो कम से कम 60 फुट ऊंचा हो, क्योंकि एंड इट इज वेरी डेंजरस, कभी आंधी तूफान में गिरेगा तो सर बहुत नुकसान भी होगा, लाइफ कैन ऑल्सो बी यू ठीक है, नो डन। कैन गेट। अच्छा सर, फ्यूमिगेशन हमारे इधर एरिया में नहीं हुआ है Z1 से Z24 में। लिखते जाइए हाँ जी, Z Z Z21 से Z24, Z1 से Z1 से। Z1 से। हाँ एंड थर्डली सर, जो रोड लेन रिकार्पेटिंग हुई है Y ब्लॉक में बहुत अच्छी हो गई है, बट हमारे Z ब्लॉक Z1 to 24 में अगेन इट हैज नॉट हैपेंड सो फार। होगा व्हाट इज द होगा, प्लान? ऐसा है विक्रम जी, आपके यहां तो हमारी एंट्री मुश्किल थी आपके ब्लॉक में। हाँ, वो तो सर ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम लोग घुसे, कह हम रहे थे खड़े हैं काम ना ही सर। काम ही काम ही करा लो मुझसे भैया, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, चलो वोट मत देना, काम तो करा लो। अब ग्रेजुअली हम लोग घुस गए आपके यहाँ, सारे काम करा देंगे, डोंट वरी। सर कमिटमेंट थी, कमल जी आएंगे तो
फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कर दिया सर, कर दिया विक्रम जी, सारे रोड्स की हमने सर्वे करा दी है, यूडी के अंदर हमारा बजट के लिए गया हुआ, जैसे ही आएगा हम करा देंगे, सर्वे करा दी हमने पूरा, मैंने पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू विक्रम जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम साजन नारायण फ्रॉम नीति बाग A143। मैंने चैट में मैसेज डाला है BSCS में, आई एम एन एडवोकेट, आप मेरे को पहचान गए होंगे। हाय साजन। तो मेरे को एक हेल्प चाहिए थी कि मेरे घर जो A143 नीति बाग है, ये फादर एग्जाम स्कूल के सामने चौड़ी सड़क पे है, तो मेरे गेट के सामने ना दो पोल हैं BSCS के, जिसमें से एक तो यूज नहीं हो रहा और शायद दूसरा भी नहीं हो रहा, तो वो हेल्प चाहिए थी कि प्रोसीजरली जो करना है वो हम कर देंगे। नमस्कार सर, अजय शर्मा बोल रहा हूँ मैं। अजय नोट कर लो, A143 143। एक काम करें, चैट बॉक्स में ना अपना नाम और फोन नंबर छोड़ दो। डाल दिया ऑलरेडी डाल दिया। वंडरफुल, फोन नंबर सब कुछ। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट। हाँ जी अतुल भैया। हाँ जी नमस्कार, आपके पास आएंगे, आप मोहल्ला कोऑर्डिनेटर हैं, वेट करिएगा, ठीक है? पहले जनता, फिर मोहल्ला कोऑर्डिनेटर, फिर काउंसलर, फिर MLA। अच्छा, मैं चार पांच चीजें बताना चाहता हूँ। हाँ अर्जेंटली रिपीट ना करना जो आपकी मन से बात हो गई है। तो फिर इसमें दो तीन चीजें सुमना जी, एक इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वर्क्स डिपार्टमेंट जी, उसकी तरफ से एपथी बहुत ज्यादा है। मैं अभी वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसे आपका आपके जो ड्रेन कवर्स हैं, या ये डीसिल्टिंग के लिए उनको उठाना है, बंद करना है, ये सब वर्क्स डिपार्टमेंट के हिसाब से दे आर रिस्पॉन्सिबल। बट मैं बताऊं, 1.5 साल हो गया और इतने अच्छे लोग हैं वर्क्स डिपार्टमेंट में, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इतनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और स्टूल चप्पल उतार के पार्क के अंदर आपके, अच्छा मेरे साथियों से एक गुजारिश है कि जो ना बोल रहे हो अपने आप को म्यूट कर ले जी। ठीक है, अच्छा इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स आपकी हॉर्टिकल्चर की तरफ से सारे पार्क्स को क्लीन अप करना। मैं आपके पहले वाले संज्ञान पे बता देता हूँ। चौहान साहब जी, चौहान साहब है क्या, किधर है, कैन आई सी हिम? हाँ सर हूँ मैं। अरे भाई मैंने जो कहा था वो जो 7 steps प्रोसेस में बनाया था हमने, आपके जो जल बोर्ड में मैंने मीटिंग ली थी, जो उदय पार्क में कंप्लीट करना था कि भाई सारे ड्रेन को पहले एम्प्टी आउट करो, अनब्लॉक करो, उसके बाद सारे रूफटॉप रेन वाटर पाइप्स को सीवर से निकाल के ड्रेन में डालो, उसका आउटफॉल को पार्क में डायरेक्ट करो, सब कुछ किया है वहाँ उदय पार्क में सर? ड्रेन जो थी वो तो चेक कर लिया था SI सैनिटेशन वालों के साथ होके। नहीं तो ये उसी प्रकार से गुलमोहर पार्क में जो अतुल कह रहे हैं, सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को डिसिल्ट करना था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के कवर लगाने थे, तो कर लो ना भाई। सर ये डिसिल्टिंग सैनिटेशन वाले कर रहे हैं, इसमें जहां पे कहीं प्रॉब्लम आता है वहां हम ओपन करते हैं। सैनिटेशन दयाराम शर्मा जी हैं जी। दयाराम जी जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, ये क्या अतुल क्यों कह रहे हैं कि आप 1.5 साल से काम नहीं कर रहे हो वहाँ पे, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है ना कवर लग रहा है? सर अतुल जी को पता है, ओपन जितने भी सब करा दिए हैं, कवर्ड का वो कवर्ड के लिए कह रहे हैं, स्लैब हटते हैं, हम कराते हैं। नहीं 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 दयाराम जी मेरे को जवाब देने दो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये काम सैनिटेशन वाले कर रहे हैं, लेकिन डिसिल्टिंग के लिए जो ड्रेन कवर को उठाना होता है वो वर्क्स डिपार्टमेंट का काम है, और दोबारा उनको रिप्लेस करना, उनको वापस रखना। इसको आप ले लें दयाराम जी के साथ मिलकर के, स्लैब्स उठा करके दयाराम साहब, कितने जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये एक मीटिंग में चौहान साहब भी बैठे हुए थे, चौहान साहब आपको याद होगा, जहां आपने बोला था कि एक्टिव ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं, जहां तक इनका सवाल है सैनिटेशन का, लेट मी से एक वेरी कैंडिड मैनर, सैनिटेशन वाले बिल्कुल बहुत ज्यादा रिसेप्टिव है, जो कहो उनको वो काम करते हैं। इनफैक्ट मेरा ये स्टेटमेंट है उनके लिए। दूसरा आपने
आपने कहा रिपीट नहीं करना, इस मतलब सारी चीजें मैंने लिख के आपको भेजी हुई हैं, तो उनको मैं दोबारा ना बोलूं, इसका मतलब ये हुआ? नहीं नहीं, तो ये अब चौहान साहब और दयाराम जी मिलकर के अतुल अतुल बल के मुसीबत के ऊपर समाधान लाएंगे, नोट कर लीजिए। बिल्कुल 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 सर। कब तक करेंगे दयाराम जी? डेट डेट दयाराम जी जी सर, कब तक कर लो? जहाँ पे भी आपका नेक्स्ट, जहाँ पे आप मेरे को बताते जाएंगे, हम वहां से हटा के इसको आप क्लियर करते चलें। आप कल से टीम लगा देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन वीक के अंदर यस सर, चौहान साहब और दयाराम जी दोनों मिलकर के आप अपना शेड्यूल दे दीजिए उनको, ठीक है अतुल बल को, ठीक है। इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें और थी कि जो हमारे तीन पार्क्स हैं उनके अंदर 12 ग्रिल मिसिंग है, इसकी FIR मई 2022 में जब व्हेन वी केम टू द, मैंने आपको कहा था कि जो आपने समस्या दे दी मुझे, चलो ठीक है चौहान साहब ने दे दिया, उसको ऑलरेडी एस्टिमेट भेज दिया है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो हॉर्टिकल्चर का तो है ही इशू, पार्क्स के अंदर इतनी ज्यादा डेब्रिस इकट्ठी हो चुकी है और कोई उसके ऊपर बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आ रहा हॉर्टिकल्चर का। आज A70 के सामने एक पेड़ गिरा है और हमने खुद चार लोगों ने मिलकर, हमारी एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है और हमने खुद उस पेड़ को हटाया, वहां से उसको क्लीन किया, रोड को जो कहते हैं ना आपका पैसेज जी जी, और उसके बाद ऐसे हमने करीब एक हफ्ता पहले D34 के सामने भी किया था, पेड़ गिरा था राम की बात है, लेकिन उसके बाद तो इनका एक्शन जो है कि वो डेब्रिस तो कम से कम क्लियर करें आप, वो भी नहीं कर रहे। करो भाई, क्यों नहीं करते? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जवाब तो ले लो उससे, जयवीर सर क्यों नहीं करता इसको? सर मैं कल मंडे को ही राउंड लगाकर मैं पूरा एक हफ्ते में, मजे लो यार हमारे ऐसे वातावरण में जहाँ के तुमको ईमानदार काउंसलर मिला हो, ईमानदार एमएलए मिला हो, अब तो काम कर ले सर, मैं देख लूंगा कोई दिक्कत नहीं। आने वाले ने तुमसे बहुत पैसे मांग लिए सर, कुछ छोटा नाम लगा फिर सर, अब इंजीनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट बनने का मजे ले लो सर, करा दूंगा मैं, करा दूंगा, लिख लेना। या अतुल बल है वो गुमर इनक्लेव से, गुलमर पार्क, गुलमर पार्क, गुलमर पार्क सर लिख लिया मैंने, सारे जानते हैं भाई अतुल। अच्छा एक एक इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट बात और भी थी, अभी करीब 10 दिन पहले ये कमल भारद्वाज इस बात को साक्षात उन्होंने किया था, एक बिल्डर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट से एक उसकी नई बिल्डिंग जहां बन रही है D17 के सामने, वहां के एक पेड़ को, अच्छा भला तगड़ा पेड़ था, उसके रिमूवल के ऑर्डर्स लेके आए बिल्डर, और उन्होंने 4 घंटे के अंदर उन्होंने उस अच्छा खासा हट्टा कट्टा पेड़ JCB बुला के उन्होंने वहां से उखड़वाया, जिससे सुबह 6 बजे से शुरू किया और 10-11 बजे तक उन्होंने ये काम खत्म किया। बाद में जब पता चला तो कमल भी आए, कमल ने भी उसका संज्ञान लिया, कमल ने काफी डांट भी लगाया, लेकिन डांट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस हुआ क्यों, और उसके अंदर आपकी ड्रेन जो है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, वो डैमेज हुई, LT केबल नीचे पड़ी हुई थी वो डैमेज हुई, HT केबल पड़ी हुई थी वो डैमेज हुई, आधी रोड उसके सामने वो डैमेज हुई, ये तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, लेकिन जिस पेड़ को किस एंगल से उन्होंने उस फॉरेस्ट के परमिशन दी, ये हमें भी नहीं समझ आ रहा, और हमें लगता है कि 10 दिन के अंदर वो परमिशन उसको मिली है। ये केस मुझे भेजना अतुल, मैं इसको चेक कराऊंगा प्लीज, डेफिनेटली। Yes. बाकी तो आपके पास मैंने 2-3 अर्जेंट हैं, एक C52 के पीछे जो बैकलेन है उसके सीवर, और A1 के पीछे जो बैकलेन है उसके सीवर लाइन के, इसको जो आप थोड़ा सा प्रायोरिटी पे आप ले, इसको नोट कर लो। कौन है यहाँ पे, विनीत है क्या? रोहन रोहन दैया, ये दो शिवर लाइंस जो है इनको प्रायोरिटी में लीजिए। मीना नोट कर लो भैया इसको, कब तक कर दोगे? एक अर्जेंट और भी है, मीना साहब यहाँ पर हैं DJB के, मीना साहब जिस दिन वहां पर पेड़ अप्रूव हो रहा था, मीना साहब भी वहीं थे, कमल जी भी वहीं थे, उनको एक दो जगह ऐसी दिखाएगी जहां से नीचे अंडरग्राउंड जो वाटर लाइन है वो लीक हो रही थी। ही डज नॉट लिसन, आई एम ही सिटिंग हियर, मतलब वो सामने बैठे हैं मेरे ना, ये दोबारा ये बात दोबारा नहीं आनी चाहिए मेरे पास,
ठीक है सर, एक्सप्लेन करो। यस सर, नथिंग, आपका पानी वेस्ट हो रहा है हर रोज सुबह वहां से निकलता है, इनको समझाया गया था बकायदा। हाँ भाई ठीक है सर, मंडे को दिखवा। पानी है, पानी जलवोट देता है, बड़े मुश्किल जाता है वो ब्लैक वाली सड़क से नीचे से आ रहा था, वो चेक करवाना पड़ेगा। कुछ भी हो, आपकी ड्यूटी है पानी बचाना, मुझे बताते तो मना कौन कर रहा है आपको, तो मैंने बोला था मीना जी करने के लिए, मना किसने किया आपको? ठीक है सर, मंडे को करवा देता हूँ। I should not get this again. Two repetition please. Atul, nice. It's over. Can I go next? थोड़ा सा और है कि इलेक्ट्रिक पोल्स जो इल्यूमिनेशन नहीं है उनकी एक लिस्ट आपको अभी पहले, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है। A38 है जैसे फॉर एग्जाम्पल, वहां पर लाइट थोड़ी सी लाइट चाहिए हमें फंड से। मिल जाएगी लाइट्स आपको, मिल जाएगी, पुलिस बना रखा उन्होंने। तो कब तक आप ये करवा दोगे? अब बताइए लाइट का क्या है अभी? सर लाइट का आपकी तरफ से भी एस्टिमेट बन के चले गया, दूसरा कुछ मेरा फंड भी आया है, उसमें भी लाइट आएगी, तो विद इन 2 months हम आपको करा देंगे। 2 महीनों में लाइट्स का जगमगा देंगे आपके बोर्ड को, आपका भी कर देंगे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसीटीवी का प्रोजेक्ट जो था दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके बनिस्पत हमने एक सर्वे किया पूरी कॉलोनी के अंदर, वो सर्वे की कॉपी आपको मैं भेजूंगा, कल भेजूंगा या परसों भेजूंगा, उसके अनुसार जितने भी बैकलिंक्स को हमने कवर किया पहले, अराउंड 53 सीसीटीवी कैमरा विद सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, वो हमने पूरा सर्वे रिपोर्ट बना ली है। तीसरा एक लास्ट सुमनाथ, एक आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर गेट्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, और उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा एनहेंस करने के लिए हमें वहां पर अगर वाईफाई कनेक्शन मिल जाए, वो तीन 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 स्पॉट्स हैं, तो अभी एवेटली तो ये लोग दिल्ली का जो वाईफाई हमने लगाया था पहले विधानसभा में मालेनगर में, उसको फिर दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब ने किया, ये एलजी साहब ने उसको रिन्यू नहीं होने दिया, तो दिल्ली में जो वाईफाई फैसिलिटी थी वो रिन्यू नहीं हो पाया, तो इसलिए वो वाईफाई फैसिलिटी तो अपने पास है नहीं अब, बट मैं कुछ और प्रयास कर दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। बाकी तो आपको मालूम ही है, आपके काम हो रहे हैं भैया। ठीक है, उसको मैं रिपीट नहीं करता। थैंक यू सो मच किरण जी, प्लीज गो अहेड। किरण जी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर फैमिली, किरण सोका फैमिली, आई मीन आप अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सॉरी, गुड इवनिंग to everyone, and congratulations on this wonderful way of communicating with us. Thank you so much. And my request to you is to get the new tiles put, which I had brought a letter to you a year and a half ago. एक तो पहले अपना नाम और एड्रेस दोनों बताइए, तब तो सब लोग पहचानेंगे आपको। हाँ जी, किरण रावत, फ्लैट नंबर गौतम अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 1252। जी, तो वहां पे क्या टाइल्स की जरूरत है? भेज रखा आपने मुझे? हां जी, न्यू टाइल्स, क्योंकि जो रिपेयर हुए वो भी धस गए हैं जी। कमल, मेरे फंड से करा दो, ये मैंने कह दिया था पहले भी। जी जी सर, भेज दिया सर, करा देते हैं। भेज दिया ना उसको? जी जी, एक्सपायर्ड कर दो, फॉलो अप कर लो जाकर के यूडी में, लिख लेना भैया। कब तक उम्मीद कर सकते हैं? मान ले एक महीना डेढ़ महीना और, because इतना मतलब it's so टेढ़ा मेढ़ा कि we are all facing health problems. I know that. आपके हाँ जी, and second complaint only is about PWD or the works department. No covers on our drains and there's no outlet from my side of the water. मेरा जो block है वहाँ से तो कोई outlet ही नहीं है for the water. आप water का मतलब drainage, बारिश का पानी? हाँ जी, बारिश का पानी। हाँ, तो आपके अंदर कॉलोनी के अंदर वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है कि नहीं? कौन से ड्रेन? कॉलोनी में स्टॉर्म वाटर ड्रेन है या नहीं है? हाँ जी है, बट ये प्रॉब्लम कोई आके देखेगा? जवान साहब, जयराम जी, दोनों प्लीज टेक इट आल्सो इन योर अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल, आके करना ही पड़ेगा, इससे बहुत ही बुरा हाल है। करवा देंगे। हाँ जी, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल इज ओके, इट्स ओनली दिस दीस टू प्रॉब्लम्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच सोमनाथ जी। आई कांट रेज माय हैंड। ओ, तोड़ा हैंड तब पहले रेज होया हुआ है? नहीं नहीं, कैन आई स्पीक? तो हम देख भी नहीं सकते सीधे।
वो मैंने बंद कर रखा है, मैं बहुत दूर बैठा हूँ। अच्छा बताओ बोलो। बस खाली तीन बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हौस खास के लिए है। वो है कि वहां पर जो पब्लिक यूरिनल्स बने हुए खाली एक ही ढंग का जो पार्क के अंदर है, और जो बाहर के बने हुए दो और एक जी ब्लॉक का, वहाँ इतनी बदबू और हमेशा प्रॉब्लम रहा है। हम चाहते हैं कि उनको आप मॉडिफाई करें, उनको रेनोवेट किया जाए। बस चौहान साहब इसको इसको चौहान साहब ऐसा करो, दोनों यूरिनल जो बता रहे हैं ना ये तीन में मतलब मुझे वो नहीं चाहिए जो कि वो नॉर्मल बनाते हो कि वो ईट पत्थर का फलाना डिम्बा करके बनाते हो, जो वो मतलब गंदा रह गई रहेगा। वो कुछ ढंग का बनाओ, सिर्फ पेशाब करने का बनाओ, यूरिनल बनाओ सिर्फ। सर सर जी ब्लॉक के एक कहां पे सर हमने पास करा दी है जी टॉयलेट में, जी ब्लॉक की हो जाएगी। नई टॉयलेट पास करा दी, जहाँ पहले ढलाव था जो टूटा हुआ था उस जगह नई टॉयलेट बड़ी बनाकर दे रहे हैं। चौहान एक मनोरंजन जी मुझे रिप्रेजेंट करते हैं मुझे और कमल को, तो आप इनका रिक्वायरमेंट लेकर के हौस खास में दो जगह बता रहे हैं, ये एक तो जी ब्लॉक मार्केट है, दूसरा एक वो सर हमारा हो गया तैयार, वो काम चालू हो जाएगा 15-20 दिन में। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। हाँ जी सर, जी ब्लॉक का तो हो गया है, आई हर्ड ऑफ दैट जी। अब है जो ई ब्लॉक के अंदर जो E6 या E5 के सामने है, वो पिछले मेरे ख्याल 20 साल से इतनी बदबू मारता है। चलो चेंज करो उसको भी यार, खत्म करो उसको। ये बैक साइड वाला बोल रहे हैं क्या सर आप? बैक साइड जो E6 के सामने E7 आता है, बैक साइड मतलब वो पार्किंग के बैक साइड वाला पड़ता है मोहन जी के सामने। हां सर इसको इसको करना पड़ेगा। हाँ कर दो इसको भी, कर दो ले लो। ठीक है सर, रेनोवेट कर दो, काफी पुराना है, चौड़ा भी बना दो, उसका एस्टीमेट वगैरह ना। बाकी दो पॉइंट सिर्फ ये है कि बहुत सालों से आपको अच्छा वो पता है कि पहले तो एमसीडी हमारे साथ नहीं थी, और वो था मार्केट का मेकओवर और पार्क का मेकओवर। बस ये दो मुद्दे हैं जो अगर आप इनके ऊपर ध्यान दें। एक काम करो, मेरी मित्र है हरिंदर जी, ये हमारे जो आर्किटेक्ट है चिरंजीव और हरप्रीत जी, उनसे मिल लो, उनके पास ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है। साहब बना रखा सर, एस्टिमेट ही बना दिया था हमने, तो आप ले आओ फिर हमारे पास। 70 लाख का था उस समय, ले आओ मेरे पास, सैंक्शन करूं मैं उसको। ठीक है सर। तो एक काम और करो, जो पिछली बार मैंने कहा था, अगर वो आज है कोई इलेक्ट्रिकल से, मैं आपको ले गया था वहां ना गोल चक्कर पे, जिस जो मैंने गोल चक्कर बनाया, अरे गोल चक्कर पे ले गया था राउंड अबाउट पे, जो चौधरी वो है ना हमारा मार्ग, दिलीप सिंह मार्ग, और उसमें वो राउंड अबाउट को ब्यूटीफाई करना था, मैं आप सबको ले गया था वहां। आई वांटेड समथिंग लाइक सेल्फी सेल्फी साइट, आई लव हौज खास या आई लव इंडिया, इस प्रकार से बना दो उसको, डेवलप कर दो उसको, बना दो यार। ठीक है सर, वो उनके आर्किटेक्ट जो आप बताना सर, उनके साथ भी मैं गया था। हाँ वो डिस्कस हुआ था कैसे करना है का, तो कर लो उसे, कर लो ना इज द टाइम टू एग्जीक्यूट। और कुलबीर जी हमारे यहाँ पे हैं जो जो डीडीए संभालते हैं मेरे लिए, तो ये आप इनके पास चले जाना, वो डीडीए का लैंड है, एनओसी दिलवा देंगे आपको ये। कुलबीर जी इसको नोट कर लो। सर एक क्वेरी है मेरी जयवीर जी से। हाँ जयवीर जी, जो हमारा G20 के अंदर ये अपना ई ब्लॉक वाले पार्क के लिए जो डेवलपमेंट के लिए फंड आना था और वर्क ऑर्डर होना था, हो गया? बी ब्लॉक पार्क के लिए ई ब्लॉक वाला पार्क हमारा G20 फंड्स के अंदर आया था, और जी जी बोला था कि इसका वर्क ऑर्डर होने वाला, वो हो गया? अभी नहीं हुआ, रेटिंग जिक्र गया हुआ है, हो जाएगा अगले हफ्ते। कब तक हो जाएगा? नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, जो अब अगले हफ्ते शायद। चलो बहुत बढ़िया मनोरंजन जी, एक विश और पूरी होगी आपकी, आपका ई ब्लॉक वाला पार्क हम डेवलप करके दे रहे हैं आपको जल्दी। हाँ जी, ई और जी वो दोनों की कंफ्यूजन हो रहा है, जी तो काफी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, ई ब्लॉक जो आपका मुझे। अरे यहाँ दिन उल्टा है सर, वो कितने फॉरेन से बैठे थे, यूएस में। कितना इंटरेस्टिंग, मनोरंजन जी बैठे फॉरेन में, अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन यहाँ वहीं बैठे बैठे विधायक से और पार्षद से क्लास ले लिया उन्होंने बैठे बैठे। बिल्कुल सर, दिस इज वेरी वेरी यूनिक, और काश ये बहुत पहले शुरू हो गया होता है। देयर इज सच अ डायरेक्ट लिंक विद एवरीवन इन योर ज्यूरिसडिक्शन, दैट्स रियली वंडरफुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट
Do we have any other resident? Mr. Ajad, you want to say something? Sir, Oscar se bol sakte hain? Ek second. Haan, Anil ji, main Ajad ji ko thoda senior vyakti hai, pehle unko le lo, unke baal safed hain. Aap dikh nahi rahe, ho sakta hai aapko le lete pehle hum. Ji Ajad ji, ab unmute kariye apne aap ko. KM Ajad sahab, unmute, haan, aap boliye. Ji. Sir, aap itna acha kaam kar rahe hain. कि कितनी तारीफ करूं, कोई लफ्ज नहीं मेरे पास. आप सभी के सेवा कर रहे हैं, सभी काम इतना कर रहे हैं, एंड यू आर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स 24 आवर्स. तो मैं क्या बताऊं आपके लिए और काम. थैंक यू अंकल, कीप ब्लेसिंग अस सर. गॉड ब्लेस यू सर. थैंक यू. कमल जी, आपको भी नमस्कार. थैंक यू सर, नमस्कार. आपके साथ डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई, वैसे मिले हैं. लड़का बड़ा अच्छा है, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था उसको खूब यूज करो. हमारे प्रोफेशनल आदमी है वैसे भी, तो इनसे मुलाकात तो बहुत पहले भी हुई है कभी कभी, लेकिन सो नाइस ऑफ यू कमल जी. जी सर, जल्दी मुलाकात करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. अनिल जी, नाउ यू गो अहेड. नमस्कार सर. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव. आई रियली अप्रिशिएट दिस कि डायरेक्ट एमएलए से आप सवाल इस तरह पूछते हैं ओपनली, और आप भी ओपनली जवाब देते हैं, तो इट्स रियली अप्रिशिएबल फॉर यू एज वेल एज योर काउंसलर करम कमल भारद्वाज जी. वैसे तो मनोरंजन सिंह हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ही है, उन्होंने अमेरिका से सारी बातें बोल दी है. थैंक यू सिंह अंकल जी. सर मैं तो कितना कहना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ नया आया हूँ 1-1.5 साल से, पर यहाँ की रोडों की हालत बहुत खराब है. मतलब मैं तो कह रहा हूँ कोई गाँव भी ऐसा नहीं होता होगा इतनी की हौज खास की लेन की रोड खराब है. पता नहीं इसका क्या रीजन है, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक. लोग अभी तक रह भी कैसे रहे थे यहाँ पे? जैन सर मैं जवाब देता हूँ आपको. एक्चुअली मैं पिछले 25 साल से यहाँ पर बीजेपी का राज था. बीजेपी के राज में एमसीडी वहाँ पर काम कर रही थी. अभी 7 महीने से हमारे पास आई और बदलाव शुरू हो गया है, और हमने अपने वार्ड के एक एक सड़क को हमने सर्वे करा लिया, और जल्द हम नई सड़क के साथ ही बना कर देंगे आपको. आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, बदनामी आपकी नहीं है, डोंट वरी. हमें तो काम करके, हमें देखे आपने सेवा के लिए चुना, हम बिल्कुल सेवा करेंगे. और नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है. हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी सलील भाई साहब भी बैठे हैं, सलील खोसला जी भी हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, रात को 1-1.5 बजे राउंड लगाते हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट एंटायर टीम. जैसे कि भारती साहब ने कहा कि सबसे पहले रेजिडेंट, फिर अपने कोऑर्डिनेटर, फिर काउंसलर. सो रियली तो थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर थोड़ा जल्दी हो जाए ना, तो कौन सी रोड आपकी है जो आप जल्दी जा रहे हैं? सर ये जो सलील भाई साहब आप जरा बताएंगे डिटेल में, सलील खोसला जी. सलील भैया आप वो रोड लिस्ट पहले भेज दो, मैं देखता हूँ पहले कराने के लिए. यहाँ पे कैसे थोड़ी सी बारिश आने से ही पानी भर जाता है, मतलब पैदल जंप विली भी नहीं मार सकते रोड पे. सलील जी क्या है ना, एड्रेस है आपका, कौन से ब्लॉक में थे? सर डी ब्लॉक में हूँ मैं, D54 में हूँ, मार्केट की. जी सर, मंडे में आके मुलाकात करूंगा जान साहब आपसे एक बार. नहीं नहीं, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू. इनकी लिस्ट लेके कमल जो चेक करना कि जो लिस्ट हमारी गई है उसमें किस नंबर पे है ये चेक करना. ठीक है सर, ओके. नाउ अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फॉर योर एंटायर टीम. एंटायर टीम बिलोंग्स क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड, आई विल टेल यू. थैंक यू. अमिता वर्मा जी, जी अनम्यूट करिए पहले अपने आप को. अमिता जी अनम्यूट करिए. जी नमस्कार. मैं अमिता वर्मा बोल रही हूँ, मैं 64 उदय पार्क से बोल रही हूँ. जी हमने कंप्लेंट पहले भी डाली थी RWA में, 2-2.5 महीने हो गए. ये जो ड्रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है ना, वो सारा हमारा बेसमेंट में आ रहा है. और बीच में जब बारिश पिछले बार हुई थी 2-3 महीने पहले, मतलब इतना ओवरफ्लो हो गया था कि पानी मतलब तैर रहा था, पूरा हमारा जो बेसमेंट है पानी से भर गया. क्या एड्रेस है आपका? 64 उदय पार्क. 64 उदय पार्क. उदय पार्क को तो मैंने मॉडल बनाने के लिए कहा है, कहाँ गया हमारा दोस्त अभी? भाई अभी भी इकट्ठा हो जाता है ना. कहाँ गए चौहान साहब? हाँ सर. भैया ये देखो उदय पार्क से बोल रही है आप. हम पार्क लिखो और सुन लो, अभी आई नीड ए डेडलाइन कमल, परसू करके सबको बिठा के डेडलाइन. देयर आर 7 स्टेप्स प्रोसेस. पहला स्टेप है पूरे उदय पार्क के ड्रेनेज को खाली करना, डिसिल्ट करना, ब्लॉकेजेस को हटाना. दूसरा,
तीसरा है रूफटॉप रेन वाटर पाइप्स को सीवर लाइन से निकालना, इसमें ड्रेन में डालना। चौथा है इसके आउटफ्लो को, इसके फ्लो को ले जाना नियर बाय पार्क में। पांचवा है वहां बनाना एक रिजर्वायर जिसमें कि पानी इकट्ठा कर सके फॉर नॉन रेनी डेज। छठा है उसका ओवरफ्लो जो होगा जाएगा बगल के बने हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में। और सातवा है उसको जो ओवरफ्लो होगा दैट विल गो इनटू द पीडब्ल्यूडी ड्रेन। तो ये मैंने उदय पार्क को जो मॉडल चुना था करने के लिए। कमल भाई आप जो है चौहान दयाराम को लेके बैठ जाओ और इस काम को डेडलाइन के अनुसार करके दिखाओ। और पहले यहाँ जाओ 64 में अनिता जी के पास और उनका मीटिंग करो। अमिता जी ओके थैंक यू अमिता जी जी ने ये कब तक हो जाएगा? ये परसों पहुंचेंगे आपके पास, कल तो संडे है, परसों पहुंचेंगे आपके पास। ठीक है ओके थैंक यू। डू वी हैव नेक्स्ट? ऑल राइट नाउ हाँ किसी और ने बात करनी नहीं तो फिर मैं अपने कोऑर्डिनेटर के पास चलूं। हरिंदर जी मोहल्ला कोऑर्डिनेटर मोहल्ला 33 जी। नमस्कार भारती जी। तो जनता से रह गया वो पूरी कर दो आप। नमस्कार सबको। नहीं हम भी पूरे मोहल्ला सभा की कंप्लेंट देखते रहते हैं और क्या क्या खास आती हैं तो ज्यादातर लाइट्स की आ रही हैं कंप्लेंट्स और काफी सॉल्व भी हो गई हैं। उदय पार्क वगैरह में काफी सॉल्व हो गई हैं लेकिन हमारे गुलमोर एनक्लेव में अभी भी हैं लाइट्स की कमी है, वो नहीं हुई है अभी। तो जो आप मुझसे मिलने आए थे उसमें सारा कंप्लेंट्स लिखा हुआ है ये बताओ? हाँ जी सारा लिखा हुआ है कमल जी के पास पूरी। फिर रिपीट करो हो जाएगा वो, डोंट वरी। हाँ जी। और दूसरी बात ये मैंने अभी दो तीन दिन पहले ही आपको एक लेटर भिजवाया है कि जो हमारा गेट नंबर 4 और 5 के बीच में वॉल है वो यूरिनल वॉल ही बन गई है। तो बहुत ही और उसके हमने बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट जिम लगाया। अभी आपको जिम के इनॉग्रेशन के लिए भी आना है पर आप देखेंगे वहां पे खड़े होके जिम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना स्मेल है वहां पे। तो उसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हम करें जी वो इसका देखना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कुछ भी। चौहान ये बताओ उस वक्त हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं मार्केट में कि वो पेंट कर दें तो वो पेशाब जो है आदमी को उल्टा लगेगा तो वो आदमी नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं पता सर। कैसे डिस्करेज करें क्योंकि ऐसा मार्केट में पेंट आता है। ये जो पॉइंट गेट नंबर 4 और 5 के बोल रही है उसके पास गेट कॉर्नर जो है वहीं पे टॉयलेट है हमारा। हाँ बना हुआ है लेकिन फिर भी वहाँ पार्किंग होती है। हार्डली वो जो मैडम बता रही है उससे 100 मीटर भी नहीं होगा यहाँ पर, फिर भी लोग मानते ही नहीं है क्या करें। काम करो चौहान साहब मैं जो बात बता रहा हूँ साइंटिफिक है, पता करो मार्केट में कौन 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 एजेंसी करता है। रिफ्लेक्टिव पेंट आता है मार्केट में, अगर उस आपने उस पेंट से पेंटिंग कर दी तो पेशाब जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा उस आदमी के ऊपर ही पड़ेगा, अपने आप नहीं करेगा वो आदमी। ऐसा सुना है हमने भी। एयरपोर्ट पे भी है यही सेम पेंट ही है ना? है आईजी एयरपोर्ट पे भी है सर, वो एयरपोर्ट्स और बड़ी फैसिलिटीज पे लगा हुआ है। देख लो ऋषि देख भी आया बताओ आपको पता ही नहीं चौहान साहब। है ठीक है सर। ठीक है भैया इसको नोट कर लेना आज के एजेंडा में और हाँ प्रयास करो पता करने का नहीं तो काल वहाँ पे। और एक हमारे भी टाइल्स की समस्या है पार्क में, टाइल्स बहुत ऊंची नीची हो गई हैं जिसमें हमारा गेरा ऑफिस है उसमें जो टाइल्स लगी हुई है। कह दिया था जब आप आए थे तुमने कह दिया था उसको बस उखाड़ के सीधा करके लेवल करना है उसको। कौन सा उखाड़ के तो नहीं हो पाएगा आई थिंक, अगर वो मेंटेन कर इफ यू कैन रिपेयर कर दो रिपेयर कर दो चेक कर लो। और अगर वो रिपेयर से ठीक हो सकता है तो रिपेयर कर दो बिल्कुल। हां जी। और बाकी हमारे इनका रोड्स का तो सर्वे हो गया है और आगे काम अभी शुरू हो जाएगा होपफुली जल्दी हो जाएगा। सर जा चुके हैं और फॉगिंग करनी है, थोड़ा मच्छरों की समस्या है। फॉगिंग का नोट कर लो। हां जी वो करा दीजिए नोट कर लो भाई। बस ऑल राइट। बूम बैरियर से दो बूम बैरियर्स भी पास हो गए हैं वो भी जल्दी। अच्छा बूम बैरियर्स भी है हमारे। हां जी देख लो कुछ ऋषि बता रहा है आपको। नहीं हम भी शॉर्टकट कर दो। चलिए थैंक यू। कैन बी एनीबॉडी नेक्स्ट? कोई और है किसी ने बात करनी है? चलिए आई थिंक ना मंजुला जी। यस। अच्छा नाउ लेट मी कम टू यू। मोहल्ला 34 के जो हमारे सलील खोसला साहब हैं, डज यू हैव एनीथिंग टू से? मोहल्ला 34
मौला 34, सुनील खोसला, वेरी जी, कैन आई हैव यू, फोन कर लो यार उसको, सुनील खोसला को फोन कर लो, देखो इफ यू कैन. अभी तो सुनील जी अभी तो जॉइन किया था, मैं बात करता हूं. I saw him earlier. ठीक है, now let's go to मौला 35. मंजुला जी आप बताएं. How are you? अनम्यूट करिए अपने आप को. राइट, हेलो, गुड इवनिंग. आई एम मच बेटर. यस यस, मच बेटर, रिकवरिंग. ओके, नाउ आई विल कम टू समथिंग. सुमना जी, यू एंड योर टीम आर डूइंग सच फैंटास्टिक जॉब, बट ऑल दैट गेट्स वॉश्ड अप विद जस्ट फ्यू थिंग्स. वन इज the unofficial dalal that is being formed on the Chaitanya Mahaprabhu marg. Wo subah subah people go for a walk and sara kura wahan pe dikhai deta hai aur itna ganda lagta hai, and people are, it creates a terrible negative perception. Ye kahan par hai dalal? ये बिल्कुल R3 R4 के सामने ऑन द मेन रोड, पार्क के साथ, पार्क के बाउंड्री के साथ. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, क्या कर सकते हैं इसका, दयाराम बताओ. सर ढलाव नहीं है वहां पे, उस पॉइंट पे इकट्ठा किया जाता है और साथ साथ उठा दिया जाता है. नहीं, साथ साथ नहीं उठता है. दिस कीप्स, सी पीपल गो फॉर अ वॉक अर्ली मॉर्निंग, और वहां पे सारा जो तेबाजारी के जो लोग हैं, एक तो वो भी आके डाल देते हैं, देन द रेसिडेंट्स आल्सो कम एंड पुट, फिर जी ब्लॉक से जो भी कचरा उठता है वो भी वहां पे आके डलता है. R3 एंड R4 एंड R5 बदबू आती है, यू नो, एंड आल्सो इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप लेट इन द इवनिंग. योर वैन कम्स एंड गोज अवे. क्या कर सकते हैं इसको, कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस. ये 2 साल से ये रिक्वेस्ट जा रही है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन. इट इज कॉजिंग अ नेगेटिव परसेप्शन. सोमना जी, वो नजर बट्टू बन गई है लिटरली. आई नो, इट वॉशेस अवे एवरीथिंग दैट यू डू. देन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर थिंग, इज देयर गोइंग टू बी एनी एक्शन टेकन फॉर ऑब्स्टिकल्स ऑन द रेन वाटर ड्रेन व्हिच इज. मंजुला जी, कैन यू वेट फॉर अ मिनट. दयाराम जी बताइए क्या कर सकते हैं इसका. सर डेली साफ, बिल्कुल साफ हो जाता है, कहें तो हम फोटो प्रतिदिन डालते हैं. मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, हमको वहां रखना ही नहीं है, और कोई लोकेशन ढूंढो. सर आसपास बिल्कुल भी कोई ढलाव नहीं, कुछ नहीं, कोई कलेक्शन. ये बताओ, सुनो सुनो, मुझे बताओ. जी सर, ये जो लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है जी, उसके अपोजिट में जो लोकेशन है जी, या कोई और काम करो, जैसे कोई पार्क वार्क ढूंढ लो, या जो आपका जी ब्लॉक के आसपास में. यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सुनिए. अच्छा, एक काम और कर सकते हो. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस. मेरे यहाँ ना मुसीबत, मेरे यहाँ जैसे हौजरानी जैसे इलाकों में भी हो रही है, बड़े बड़े डब्बे आते हैं, मैंने कई शहरों में देखा है, बड़े बड़े डब्बे आते हैं जी. तो क्या हम वैसे डब्बे नहीं प्लेस कर सकते जगह जगह? सर फिर तो वो डस्टबिन बन जाएंगे ना, फिर तो लोग और डालेंगे उसमें. नहीं, उसको कोई और तरीका ढूंढो, बिकॉज ये देखो मॉर्निंग में जो पार्क जा रहा है, शारदा पार्क जाता होगा आदमी ना, तो देखता होगा गंदगी. इस कारण से सारी जितनी क्या करा है, सारा रात दिन आपका काउंसलर विधायक मेहनत कर रहा है, मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, सब जीरो हो गया. आप कोई तरीका ढूंढो. कमल एक काम करें, इसका कुछ तरीका ढूंढे, कहां कर सकते हैं इसको. मैं फंड देने को तैयार हूँ. हमारे चौहान साहब, आप देख लीजिए, या कोई प्रोजेक्ट वाला देख ले, या सैनिटेशन देख ले, मेरे फंड से ऐसा कवर्ड, मतलब कूड़ेदान जो वो कूड़ेदान, मतलब ये गार्बेज, आपका गार्बेज बिन टाइप का नहीं, बड़े बड़े आते हैं जो कवर्ड होता है, कवर्ड वाले में अगर देखें, अगर मिल जाए मार्केट में, तो मुझसे मेरे पैसे ले लो. सर उससे बेटर ये रहेगा, जो इनकी वो गाड़ियां आती ना, जब ये कलेक्ट करते हैं, वो गाड़ियों का एक टाइम हो जाए कि उस समय वो वहां पहुंच जाए, और ये डायरेक्ट उसी में डालें. ये भी हो सकता है. कैसे करेंगे? आपका 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 खुद का एनसीडी का बंदा आके ठेले में सारा कचरा लेके आता है और वहीं पे डंप करता है.
and then your van is standing over there, और वो लगता है at least three, you know, till 11 o'clock, 11:30 पूरा पड़ा रहता है, cleaning हो रही है. So early morning 6 o'clock to 11:30, can you imagine the time? यार आप जी बताइए timing क्या है आपका, अगर आप ये भी कर रहे हो तो. सुबह दो बार उठता है जी वो. क्या timing है? Not a solution. It has to be removed from there. It is causing a very negative perception. I get you. सर इनका कहना है कि वो पॉइंट खत्म किया जाए, तो खत्म कर दो. बिकॉज कहीं तो कलेक्शन करेंगे. अरे काम करो, सुनो सुनो, ये जो B1G के सामने एक खान का वो है सर्विस सेंटर जो बना रखा है, जिसे किसी ने कब्जा कर रखा है, कब्जा करके रखा है, उसके बगल में जो लैंड है जी, पार्क है, उस पे भी उस लैंड में अगर थोड़ा सा आगे की तरफ कवर ओवर करके बना दो कुछ, वो फिर आपको एंट्री पॉइंट लेनी पड़ेगी कौशल्या पार्क से. नहीं, हम बाहर से करने का प्रयत्न करेंगे, देखते हैं कुछ एक काम करो. चलो मैं अभी जजमेंट नहीं दे रहा, चलो सर मैं कराता हूँ. कमल जी जो है आप जा करके वहां पे लोकेशन ढूंढेंगे. जयराम जी पहले आप लोकेशन ढूंढिए, फिर कमल जी को दिखाइए, अप्रूवल लीजिए, फिर मुझे दिखा दीजिएगा फाइनल. सर ऐसा करते हैं ना दयाराम जी, इसमें आप एक काम करो, इसको एक जगह कलेक्शन पॉइंट ना बना करके जहां जहां का कूड़ा आया वहीं पर अगर टिपर भेज कर हम वहां से कलेक्ट करा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा ना. एक पॉइंट क्यों आप ऐसे एक जगह क्यों इकट्ठा कर रहे हो, टिपर की ड्यूटी लगा दो सब जगह से पिक करने की. दैट्स अ गुड पॉइंट. हम इकट्ठा ही क्यों कर रहे हैं, ज्यादा कूड़ा तो वैसे भी नहीं होता होगा, वो थोड़ा थोड़ा ही होता होगा, तो पॉइंट पॉइंट रहे. सर केवल 3 पॉइंट का आता है और इसमें कहीं कमी नहीं आता. कोई बात नहीं, जो 3 पॉइंट आप चाहते हैं कि सरकार इतनी मेहनत करे और सब गुड़गोबर हो जाए. पार्क में जब एंट्री करता है आदमी तो जाता है वहां घूमने के लिए, अच्छी हवा लेने के लिए. आप उसे कूड़ा दिखा दो पहले. सर्विस प्रोवाइडर शुड बी अलाउड टू डिग अप द रोड्स. ये लोग आते हैं अपने कॉन्ट्रेक्टर्स भेजते हैं. कमल जी ने कहा था मेरे से कि अगली बार जब भी देखो तो काम रुकवा दो. द पॉइंट इज दैट हमें पता भी नहीं चलता है, ये लोग आके डिग करके चले जाते हैं एंड देन दे लीव द रोड इन सच अ बैड शेप. जी जी जी, खासकर द IGL पीपल, दे डिग डीप पिट्स. And then as it is, the pedestrian, this thing is in a very bad shape. Roads are in a very bad shape. Aapko kharcha jyada ho raha hai. But some kind of... Aray bhai, PWD se kaun hai yahan pe? Ye MCD ke roads, ye PWD roads. Ek second, hold kariya. Who is from PWD? Sir. Kaun hai, koi hai? Sir, Sanjay Sharma Ji, South Road 2, sir. Oh, bhaiya, to tumhe bolne mein ka, matlab, itna samay lag gaya? नहीं नहीं सर, मेरे पास सिर्फ स्मॉल से एक ही रोड है, कृष्णा चैतन्य ओनली. ऑल राइट, उसी की बात वो कर रहे हैं. सुनो, आई एम टॉकिंग अबाउट अंदर के लेन्स का बी. रुको एक मिनट, रुको. पीडब्ल्यूडी रोड्स के लिए आप और चौहान साहब, अंदर के एमसीडी रोड्स के लिए मुझे ये बताना कि भाई पिछले एक साल में कितने लोगों को आपने परमिशन दिया है खोदने का. ठीक है सर, एंड गिव मी दैट लिस्ट. कमल जी आप एक बार लिस्ट दोनों से ले लो, स्टडी करो कि क्या उन रोड्स को किस पॉलिसी में दिया गया था, क्या उनका रिकवरी पूरी हो गई, रिस्टोरेशन पूरा हो गया या नहीं हुआ. तो देन लेट्स डू एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें भी कुछ घपला चलता है मुझे मालूम है. वो तो है सर, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की है. इलीगली कैसे कोई रोड डिग कर सकता है, इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी आकर ना खोदने लगे. वैसे तो देखो जो कोई भी रोड खोदने आएगा उसके परमिशन होनी चाहिए. परमिशन में लिखा होता है कि भाई क्या इसको कट एंड रीस्टोर में मिला है, कि इसने पे कर दिया है तब तब कट कर रहा है, इस प्रकार से पे एंड कट होता है या कट एंड रीस्टोर होता है. एक बार इसको इस पॉलिसी को देख लेते हैं बैठ के. चौहान साहब, ये एमसीडी का दे देना. सर ये जो आप IGL, सर IGL की हमने एक भी नहीं दी है इनके हौसकास वाले एरिया में. अब प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ रिस्टोर, जैसे कोई इनकी फॉल्ट आती होगी ना IGL की. हाँ. वो फॉल्ट के लिए आते होंगे. नहीं नहीं नहीं,
टू कनेक्शंस की रिक्वेस्ट गई है आर सेवन हाउस खास की और आर वन की हाउस खास की. नाउ आर सेवन का उन्होंने खुदाई कर दिया था तब पता चला कि खुदाई कर ली है और पूरी तरह से उन्होंने काटा है. वो पेडेस्ट्रियन रोड पे कोई भी आके चल भी नहीं सकता. आर एक का मैंने रुकवा दिया था क्योंकि बाय द टाइम आई हैड गॉट इन टच विद कमल जी. कमल जी ने कहा था unless and until they show the sanction they are not allowed. But the problem, these were two new connections. Ek lag gaya, ek point noted. Manjula ji aap addresses de dijiye, ye kar lenge. Chauhan sahab aap thoda usko explore karo, kaun hai ye. Find a way that the residents to get the connections and also the road is not gets to the steep condition. गार्बेज इकट्ठा हो रहा है काफी टाइम से और वो आप बता रहे हैं. हाँ नेक्स्ट पॉइंट सर, ये तो बहुत सालों से ऑफकोर्स थैंक्स टू बीजेपी कोई रिकंस्ट्रक्शन वर्क तो रोड्स का और पेडेस्ट्रियंस का तो हुआ ही नहीं. आप प्लीज हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ सीनियर सिटीजंस गिर रहे हैं, प्लीज कुछ करिए. वी शुड नॉट पे द सिंस ऑफ बीजेपी. आप अपने ब्लॉक मीटिंग तो रखो आर ब्लॉक में. मीटिंग करूं कि अचानक सभी आ गए हैं तो हम लोग वो वर्स्ट वर्स और ओके कैटेगरी में बांट करके पहले वर्स्ट फिर वर्स फिर ओके वाले करेंगे. सो लेट नो रेसिडेंट्स फॉल एटलीस्ट वुड बी अ सिन. थैंक यू सो मच. पर ये ढलाव का काम कर दीजिए. एकदम कर देंगे. प्यार अंडी प्लीज टेक नोट. आई डोंट वांट टू सी दिस ढलाव. आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग. ठीक है सर. थैंक यू सोमनाथ जी. कैन आई स्पीक फॉर अ मिनट प्लीज. कैन आई नो योर नेम फर्स्ट. सुनील कुच्छल फ्रॉम कौशल्यापा. बताइए जी बोलिए. I thought I'll pick up the threads जो अभी अभी मंजुला जी कह रही थी. आप भी कह रहे थे एक पार्क है वो खान के बगल में. वहां पर डंप बनाने का वहां पे उसका एक्सेस सीधा सामने वाली सड़क पे है. वो भी खान ने ब्लॉक किया हुआ है. सो दैट इज अ वर्थवाइल प्रोपोजिशन. मैं तो वही चीज सोच रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि इसलिए मैंने कहा कि अंदर से नहीं बाहर से करूंगा उसको मैं. हाँ बाहर से एक्चुअली फ्रॉम द रोड इफ यू थिंक अबाउट इट जस्ट बिहाइंड आवर ब्लॉक दैट रोड इज बीन ब्लॉक्ड बाय अनऑथराइज्ड पीपल. उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, but there is direct access from the road to that area. It's a very and it there's nothing over there. कुछ नहीं, कचरा भरा हुआ है वहाँ पे. चौहान साहब ये 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 प्रॉपर्टी को जाके देख के आओ एक बार और इसकी ओनरशिप ढूंढो. कौन इसका मालिक है, क्या है, क्या नहीं है, क्या कब से कौन बैठा हुआ है. ठीक है. To our knowledge, I'd like to say something here, sir. This is under litigation with the MCD Horticultural Department. Apparently, Khan ka to hai hi, and he is trying to take over also the land that you are planning. अच्छा so, वैसे सुनो बड़ा coincidence है, बड़ा interesting है. जयवीर भी यहीं पे है और सुनील जी भी यहीं पे हैं. भैया बताना वो लफड़ा क्या है तुम्हारा जमीन का वहाँ. क्या मेरे से पूछ रहे हैं जी? जयवीर जी, क्योंकि जयवीर वाज पार्ट ऑफ द टीम व्हिच विजिटेड दैट टाइम. सर ये शान मोहम्मद वर्सेस एमसीडी का केस है. हाँ. अरे ये बहुत दिनों जब से मेरी नौकरी लगी उससे भी पहला चल रहा है. हाँ. और अब भी चली चल रहे हैं जी. तो उसमें सुनो लगे बात समझो मेरी बात. मैं वो पेपर तुमसे पूछा था ना उस दिन, तुम लोग कैसे गए थे वहां पे. मैंने पेपर देखा है, आ रहा है कि ये कोई कंसेंट डिक्री है. ए ने बी पे किया, बी ने ए पे किया, दोनों ने कोर्ट में कहा कि भाई लाल किला चलो हम दोनों मिलके हम दोनों वो कर लेते हैं सर. ये है इसमें सुनील जी ने सारे पेपर इकट्ठे किए, मैंने पेपर पढ़े हैं सर. बच के रहना और अपने लीगल टीम को बोल देना कि कंसेंट डिक्री से कोई लैंड इस प्रकार से नहीं दी जाती. सोमनाथ जी, आई बिकम अ विक्टिम ऑफ दिस. आई नियरली बिकेम अ विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग.
because there is Anantraj Associates, then there was somebody called Bitto, I don't know what his official name is. इतने ओपनली नहीं बात कर सकते मंजुला जी कुछ, ठीक है कुछ चीजें रहने दो, अलग से बात कर लेंगे. ओके फाइन. सुने जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? No, that was it. I think that's a very good step. We should establish kiski ownership hai. To our knowledge, sir, we've been here. I've been an owner of the flat for the last 40 years. What is looking very fishy is 40 saal se khali jagah padi hui hai. It is within 100 meters of the Eidgah. So it is no construction is allowed in that area because it is against ASI rules. And then suddenly overnight, three people have come to claim ownership. कोई कागज नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, पुलिस वाले कुछ करना नहीं चाहते. हमने बात कर ली, अब ऐसा है कि हम लोग, आप लोग को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, 24 घंटे वाली अलर्ट, ठीक है, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है. बड़े सारे लैंड माफिया वहां घूम रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो कितना जेन्युइन कितना फ्रॉड है, लेकिन जैसे जो मैंने आपको सलाह दी थी उसको फटाफट कर लो, बच जाओगे. जी थैंक यू सोमनाथ जी. जी जी बताइए नेक्स्ट. थैंक यू. बैठो ना. और कौन है? अंजलि गुप्ता जी को मैं देख पा रहा हूँ लेकिन बोल नहीं रही हैं. भाई आपको तो लिखना है संवाद में कि ऐसा अजूबा हो रहा है हमारे यहाँ. अंजलि गुप्ता जी. हाँ जी सर. मैं कह रहा हूँ आपको संवाद में लिखना है, दो चार फोटो वोटो ले लो कि ऐसा. हाँ मैं ले रही हूँ. काउंसलर और विधायक रेजिडेंट्स और अधिकारी के साथ ऐसी मीटिंग इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कौन करे, जहां ईमानदारी रहे, जहां कमाने की फितरत नहीं रहे, जहां काम करने की इच्छा हो, ठीक है. और आप पूछ लीजिए, सारे अधिकारी यहीं पर हैं. ठीक है राइट सर. जी जी. और कोई भैया? आई हैव वन क्वेश्चन टू कमल जी. स्टिल कमल जी, मैं आस्क. जी बताए बताए मंजुला जी बताए. वो ग्रीन पार्क एमसीटी ऑफिस क्या बर्थ सर्टिफिकेट्स देते नहीं है? आजकल ऑनलाइन हो गया है मंजुला जी सब कुछ. नहीं आई मीन मैं एक अनपढ़ की बात कर रही हूँ. ही हैड गॉन ओवर देयर. तो वहाँ पे कोई नहीं है जो हेल्प कर सकता है उसको? मेरे देना, मैं करवा दूंगा हेल्प मेरे घर में. करवा देंगे बाकी कुछ जैसा होता बता दीजिए. करें ना, एक केस है माई हाउस हेल्प का भाई, उसका बच्चा हुआ है, वो लेके गया सफदरजंग का डिस्चार्ज स्लिप, उसको भगा दिया, उसको बोल दिया पता नहीं कहां जाने. सफदरजंग एमसीडी के अंदर नहीं आता, वो एनडीएमसी के अंदर है. उसके लिए आपको मंदिर मार गया, अगर एक साल से कम एज है बच्चे की तो वो यहाँ पर अपना आईएनए के आसपास ही इनका ऑफिस है. देखिए शुक्र है, शुक्र आपने. जी जी. सो कैन एनीबॉडी हेल्प अस? विल आई हैव टू अकंपनी हिम? देख लो मंदिर मार्ग पे क्या ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन कर देंगे. नहीं ऑनलाइन होता तो वहाँ चले जाना फिर. अच्छा ठीक है. बच्चे की अगर एक साल से कम ये जैसा तो यही था आईएनए में इनको ऑफिस. अभी दो हफ्ते हुआ है पैदा हुआ, तो आईएनए से मिल जाएगा. आईएनए आईएनए इसके आसपास सरोजनी नगर इनका ऑफिस है, एमडीएमसी वहाँ चले जाएगा. अच्छा सरोजनी नगर. जी जी. थैंक यू. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? चलो अब कोई अगर नहीं आ रहा तो भैया हमारे ऋषि भैया जो हमारे काउंसलर साहब के पीएस हैं, उन्होंने कुछ कहना है, किसी अधिकारी से बात कर लें. बस सर सारे इश्यूज तो ऐसे डिस्कस हो गए हैं. थोड़ा पार्क के कूड़े का एक इश्यू चल रहा था, वो जिसका प्रोसेस बना दिया है कमल सर ने और हम सबने मिलके हॉर्टिकल्चर से डिस्कस करके. बहुत बढ़िया. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का डिस्कस हो ही गया, वो एस्टिमेट्स आपके पास चले गए हैं सर. और वर्क्स का कुछ काम है जो ऑलरेडी चल रहे हैं और कुछ अभी इन प्रोसेस है, तो उनको थोड़ा जल्दी से जल्दी कर दिया. बाकी स्कूल्स के लिए हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं सर. अभी स्कूल्स के अंदर थोड़ा दिक्कत है बिल्डिंग्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का. उसमें देखते हैं कि कब तक बजट इशू होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से करेंगे. ठीक है. पर बाकी मैं अभी इन मोहल्ले से कंसर्न नहीं है, अर्चनी से रिलेटेड है. जल बोर्ड के अधिकारी हमारे यहाँ पर है, तो वो अर्चनी की पानी की समस्या सर उसके लिए देखेंगे बार बार. हाँ भाई बोलो. बट अर्चनी के पानी की समस्या होगी ना, तो पानी वाला MNWS है. जोगिंदर जी है सर, लाइन पर है. जोगिंदर जी. जोगिंदर हो गया? हाँ सर चल रहा सर. वहाँ पे नहीं है हमारी पानी, MNWS से देखता है. हाँ बोलो. सर पानी की सप्लाई तो ठीक है सर, अपने वाली पानी का लो प्रेशर का इशू है सर.
अरे सुनो हीरो, आपको मैंने कई बार बताया, आप जो है ना समस्या को बिल्कुल हटाने में लगे रहते हो, चाहे होजरानी हो, चाहे मालवे नगर हो, चाहे चिनी हो, आप हैं जैसे कहते हैं कि भैया वो जो कबूतर बैठ जाता है ना उसके सामने, बिल्ली के सामने आँख बंद कर देता है, कहते है वो है नहीं, बिल्ली नहीं, वो तुम हो। मैं समझा दिया कि वहां चीनी में समस्या है, तो आप जा करके, दिनेश ही दिख रहा था मुझे, तो दिनेश से मिलके जो टेलेंट पे घर है वहां जाओ, जाके स्टडी करो, क्या लूप बन सकता है लूप बना दो, अगर वहां पे वो टर्मिनेट कर रहा हो तो उसको लूप में कन्वर्ट कर दो। अरे कुछ करोगे तब तो होगा, कई बार समझा मुझे जवाब बना के दे दिया आपने, हो गया जी, ऐसे जरूर काम होता है। सर्कल जोगिंदर जी से बात, तो ही सेड कि वो मैरोली वाली लाइन बंद हो गई है, तो अरे सुनो जोगिंदर कल आप जाओ बेटा, ठीक है सर, वहाँ समस्या बहुत बड़ी हो रही है जोगिंदर जी, समाधान कर दो, ठीक है सर। वैसे अभी जो समस्या एक दिन के लिए आई थी वो वहाँ पे एक अभी शटडाउन लिया था सर, वहाँ पर चार दिन से समस्या है चीनी में, नहीं अभी कल भी समस्या क्या होता है ना कमल, आप और सभी सबको बोल दूं मैं, एक बार शटडाउन हो तो कम से कम 4-5 दिन लग जाता है उसको रिस्टोर होने में। सर कल वाला जो शटडाउन हो उससे पहले 2 दिन पहले से वहां पे समस्या है। दिनेश है क्या यहाँ पे, पूछ लो कहाँ है जी सर। दिनेश सर। बोलो, ये तुम दिनेश नहीं हो, दिनेश नहीं है, मैं नहीं था, ठीक हाँ तो चीनी वाला सोच रहा था। चलो कोई नहीं, जोगिंदर जा करके देख के आओ बेटा, दो पॉइंट और डिस्कस करने थे ऋषि, एक अपने प्रोजेक्ट वालों से और वर्क्स वालों से लिस्ट आ गई कौन कौन सी रोड क्या इन्होंने एस्टीमेट बनाकर भेज दिया यूडी में, क्या भाई दोबारा बोलेगा, प्रोजेक्ट वालों से और वर्क्स वालों से लिस्ट आ गई कौन कौन सी सड़क का एस्टीमेट बनाकर इन्होंने यूडी में डिपॉजिट कर दिया है, लिस्ट की नहीं, लिस्ट नहीं आई है, वो आशीष जी ने ये बताया था कि जी हमने सर्वे कर लिया है, तो मैंने पूछा था कहाँ से कहाँ तक हुआ है क्या हुआ है, वो अभी डाटा नहीं आया। आशीष जी सर जी डाटा मैंने भेज रखा है व्हाट्सएप में भी, रीसेंड कर दीजिए कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगा एक बार। चौहान दोनों सुनो, आप दोनों को खुली छूट दी थी कि सारे रोड्स के लिस्ट बना लो जो वर्स्ट वर्स और ओके कैटेगरी में डिवाइड कर लो, वर्स्ट और वर्स के तुरंत एस्टिमेट्स बना के भेज दो, सबके पैसा देने को तैयार है सरकार, केजरीवाल जी ने क्या रखा है भी पैसे ले जाओ, ठीक है सर, ठीक है उसका इस्तेमाल नहीं किया, जिस गलती से आप करते हो ना मुझे आपके इंटेंशन पे डाउट होता है, आपसे काम नहीं होता तो बता दो, आपको ट्रांसफर करा दें कहीं और। सर 10 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट भेज रखे हैं सर। किसको भेजा आपने, यूडी में भेजा हुआ है, कॉपी है आपके पास, जी सर है, क्या वहां स्टेटस जाके चेक किया सर, 1 हफ्ता पहले गए थे वहां पे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाया था तो वो हम क्लियर करके भी आए थे, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। अब फाइनल होके चला गया, फाइनल चला गया सर, प्रोसेस में है, उम्मीद है सर जल्दी आ जाएगी, अभी भी चल रही है सर, जो भी जहां बोलते हैं कर देते हैं। बेटा आपको मैंने कहा था लिस्ट ऑफ एसेट्स बना लो एमसीडी की, आप काली सड़कों को बना लो, चौहान साहब बना लेंगे सीमेंटेड सड़कों का, और एवरी सड़क विल हैव टू बी डन विद द ड्रेन आल्सो, ड्रेन भी बनेगा साथ में, ठीक है सर, ठीक। आशीष जी और चौहान जी कब तक लिस्ट मिल जाएगी आप दोनों की बता दीजिए जरा, मैं सर करवाता हूँ नवनीत जी को बोल के करवाता हूँ। पूरा नहीं कराया क्या अब तक आपने, लिस्ट नहीं बनाई पूरी सर, इनको बोल दिया फाइनल लिस्ट मांगी है, फाइनल लिस्ट ना प्रोजेक्ट मां, नहीं बात गलत है बाबू, आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम डे 1, इफ यू कांट डू इट गो टू सम अदर वार्ड, गो टू सम अदर असेंबली, लीव इट, जो काम करने वाले लोग नहीं है यहाँ ना रहे, पैसा कमाना कहीं और जा कमाओ, ना यहाँ काउंसलर कमाता है, ना विधायक कमाता है, ना अधिकारी कमाने देंगे, काम करो और नाम बनाओ, नाम कमाओ, अरे मजे लो इंजीनियरिंग के, बाकी लोग आपको काम कहाँ करने देते हैं, पर लिस्ट की कमिटमेंट ले बार बार करके दिखाओ इंजीनियरिंग में, लिस्ट कब तक दे रहे वो पूछ लीजिए, बता भाई लिस्ट कब मिल जाएगा चौहान, पूरे वार्ड में एक बार देख लीजिए जितनी भी रोड्स का है ना सारा, जो गलियां सीमेंटेड है और जो भी बननी है, कब बन जाएगा ले चलिए बता सर, 3-4 दिन में देता हूँ, उसको जेई को बोल रखा है, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 16 है, अरे भाई कल संडे है, कल घुमा दो जेई को, बोला काम उसको वापस काम पे लगाओ, ठीक है। और आशीष आप कब तक दोगे,
मंडे को दे देंगे सर आपका लिस्ट, मंडे को सर कमल जी आपको दे देंगे, बस कर लो दोनों काम। डिटेल वाइज चाहिए, एक एक सड़क की डिटेल चाहिए मुझे, अपना मीटिंग हम अपना कर लेंगे, कैसे कर लो। ठीक है सर, ठीक। और कोई कमल को और पॉइंट तुम्हारा? बस। और जयवीर जी हैं भी? है, जयवीर है। जयवीर जी हमारे 2 लाख के फंड का क्या हुआ, कोई आया और मॉडल इशू हुआ उसका? सर सिंगल टेंडर है, अगले हफ्ते कोशिश करूंगा हेडक्वार्टर जाकर के सिंगल टेंडर जी करा दो हमारे पार्कों में, पाइप नहीं है। 2 लाख रुपए में कौन सा सिंगल टेंडर की मुसीबत है, कौन सा मुसीबत हो गया सर? तीसरी बार में सिंगल आया, पर पहले तो 2 बार तो कोई आया ही नहीं है इसमें। मुझे मालूम है तू चाहेगा तभी सर, गिरवा दिया आपके, गिरवा दिया, मैं जाऊंगा सर, जाऊंगा हेडक्वार्टर करा दे उसको, करा दे सिंगल में, करा दे पास, करा दे। जयवीर जी उसने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, आप जब भी हमसे यही बोल रहे थे कि करा रहे हैं सर। सिंगल आपको गया जब ऋषिकी सिंगल आया तभी तो किसी को कैको का करवाया सर, अप्रूवल करा लो इसका, कर दो काम शुरू। और कोई बात? बस सर ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों का गौरव आपने सर से ले ली चिट्ठी अपने उसकी? गौरव हो आप लाइन पर? गौरव इलेक्ट्रिकल दिख तो रहा है मुझे। गौरव अनम्यूट करो, गौरव जी अनम्यूट कर लीजिए। गौरव सुन पा रहे हो आप? चलो अब और को पॉइंट बस सर, एक पॉइंट मेरा है, जयवीर और चौहान दोनों, एक पॉइंट मेरा ये है कि देखो हमने आपको कहा था कि भाई जितने पार्क हमारे यहाँ है 326 पार्क हैं सर, 26 पार्क के अंदर 11 मापदंडों पे डेवलप करना हर पार्क को सर, हमने आपको कह रखा था, आपने मुझे लिस्ट दे रखी है, ठीक है सर। कमल से मिलके हर मोहल्ले में एक एक पार्क ले लो सर, उस पार्क में जो सिविल वाला काम है वो चौहान बना लेंगे सर, जो हॉर्टिकल्चर वाला काम है आप कर लीजिएगा सर, जो आपके झूले जिम गजीवो वाला काम है वो करा लो अपने हेडक्वार्टर से सर। आई वॉन्ट दिस लिस्ट टू बी ओवर एस्टिमेट मेड इन नेक्स्ट 1 वीक। चौहान हाँ सर, 10 पार्कों में करना है, मतलब इनके जितने मोहल्ले ना एक मोहल्ले में एक पार्क में करना है, और एक करके फिर उसके हर पार्क का नाम मुझे वो किसी शहीद के नाम पे रखना है। ये काम कर लो भैया सर। सर ये पीडब्ल्यूडी से संजय शर्मा जी सुन रहे हैं? संजय शर्मा जी नहीं है? संजय सर जी वो अपना ये नो पार्किंग के बहुत पहले वेट करो मैं लेट मी फिनिश फर्स्ट। ये कर लिया भाई जयवीर, लिख लिया आपने? लिख लिया जो मैंने काम का बताया अभी सर? लिख लिया। ऑलराइट, अब चौहान साहब जितनी सड़कें आशीष जितनी सड़कें बनेंगी सबके अंदर आई नीड स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश बरसाती नाले बनने हैं सब में। चाहे कितना बड़ा भी वीआईपी हो उसे घर के बाहर बरसाती नाले बनेगा। और आपको बता दिया है कि जितने ये आपके पेडेस्ट्रियन वॉकवे हैं फुटपाथ हैं किसी का हक नहीं है कि उसके ऊपर वो बनाए क्या नाम है ये जो बनाते हो थड़ा रैंप, थड़ा उसे घर के अंदर ही रहेगा। इसको इंश्योर करना है आपको और उनसे कन्विंस करना है उनको कि भाई साहब ये काम ना करें, ग्रेजुअली करना है, तो फोर्स ना करो, लेकिन जो नए नए ना बने ये ख्याल रखना है, नए ना बने। हाँ ऑल राइट, आप बताओ भैया ऋषि तुमको जो बोलना है बोलो खत्म करें। संजय शर्मा जी से पूछना था, वो नो पार्किंग के बोर्ड्स लगने थे निफ्ट के आसपास जितने भी थे उनका क्या स्टेटस है? सर वो हमने बात करी थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हाँ। तो उसके लिए टेंडर करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। टेंडर के लिए जब भी मुझसे टेंडर मतलब 4 बोर्ड लगे तो टेंडर करना पड़ेगा? 4 नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अरे भाई अपने बड़े जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर है रोड वाले ना उनको बोल दो 40 लगा देगा वो, ठीक है बोलो उसको, नया आदमी इसलिए इसको बेवकूफ बना रहे हो हैं? नहीं सर इनको पता है फर्स्ट से ना तुमसे कमीशन मांगता है ना तुमसे कोई एक्स्ट्रा काम करने को बोलता है, इतना काम तो कर दे बोल दो उसको लगा दो। शर्मा जी अपना ये
अपना ये सुदर्शन सिनेमा रोड गौतम नगर पे कुछ ड्रेन्स के वो जाल बिल्कुल मतलब आप कह रहे थे चोरी हो गए हैं, तो वहाँ बड़ा खतरा बना हुआ, आपने वो पत्थर तो रखवा दिए बट उसमें गाड़ी भी घुस चुकी है कई लोगों, और वहाँ तो प्रायोरिटी पे करो, ये तो किसी के लिए खतरा बन सकता है, ठीक करो उसको प्रायोरिटी पे करो। चलो ऑलराइट जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे अधिकारियों का, सारे कोऑर्डिनेटर्स का, सारे वॉलंटियर्स का, माननीय पार्षद का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो काम कहे हैं सारे काम लिख लेना, मिनट्स इशू होना है और उसके बाद डेडलाइंस भी लिखना साथ साथ में कब तक काम कर दोगे, और ये मिनट्स कल इशू हो जाना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर।